सब से निकाल दो, मुझे चुका दो जोर, मुझे ये सब नहीं फेस करना है, बहुत हो गया। नहीं मैं तुम अकेली नहीं हुई। तुम्हें पता है उस आदमी को मेरा नया नंबर तक पता चल गया, उसने मेरा नया नंबर भी ट्रेस कर लिया। मेरा नया नंबर सुहेल और उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे एमएमएस की सीटें गिरे करते भेजी। पापा और शिवा कितने परेशान है और मैं कितनी डरी हुई हूँ, मैं उन्हें ये सब नहीं बताना चाहती हूँ। मतलब मैं शिवा के क्लिनिक में भी गई थी, लेकिन वो ऐसी हालत में ही नहीं थी कि मैं उन्हें ये सब बता पाऊँ। सुहेल मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर गलती से भी अभिषेक अंकल और पुलिस इस सब में इन्वॉल्व हो गए तो ये आदमी मेरा एमएमएस लीक कर देगा, और अगर उसने मेरा एमएमएस लीक कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होने दूंगा रुबी। स्वीट वो बहुत स्मार्ट है, जिसने मैजिक जो नंबर किसी के पास भी नहीं था वो उसे कैसे मिल सकता है। मुझे अच्छे से याद है कि पापा ने कहा था कि ये नंबर सिर्फ अभिषेक अंकल के पास है और किसी के पास भी नहीं है। कहीं अभिषेक अंकल की टीम में से तो कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा? ओह गॉड, ऐसा हो सकता है ना? ये मामला कितना डेंजरस होता जा रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास मेरा वीडियो है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूंगी? मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं क्या करूंगी? मैं हूँ यहाँ, तुम अकेली नहीं हो। एक काम, तुम बैठो। प्लीज सिट, बैठो। बैठो। मैं क्या करूंगी? पानी पियो रूही, ट्रस्ट मी, पानी पियो, पियो पानी। अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा रूही, तुम मुझे ट्रस्ट करती हो, हम इन सब से डील कर लेंगे। मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करता हूँ। रूही मत डर, तू फोन कर रहा है। रूही हमें फोन उठाओ तुम प्लीज, ये पता तो चले वो और क्या चाहता है हमसे। प्लीज रूही मत डर। रूही मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना, उठाओ नोट स्पीकर ऑन करो प्लीज। हेलो, जो दिया है वो काफी नहीं है रूही मैडम, और पैसे चाहिए मुझे। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, हर जगह ढूंढ रही है मुझे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इसके लिए तुम्हें हर्जाना भरना होगा। मुझे 30 लाख रुपए चाहिए रूही, 30 लाख। हाँ ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे दो दिन का टाइम चाहिए पैसे इंतजाम करने के लिए। स्मार्ट गर्ल, और तुम्हें पता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है? इस बारे में पापा को नहीं बता सकते। फिर मुझे पापा को बताना होगा। नहीं बता सकते रूही। तो फिर हम 30 लाख कहाँ से लाएंगे? सुबह तुम्हें पता है ना वो वीडियो उसके पास है, क्या करेंगे हम? मैं लाऊंगा 30 लाख। सुहेल 30 लाख रुपए कैसे? रूही मैं लाऊंगा 30 लाख, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, मुझे दोस्तों से उधार लेना पड़े या कुछ भी, मैं लेके आऊंगा। और इस बार हम लास्ट बार उसे पैसे दे रहे हैं, इसके बाद ये चैप्टर ही खत्म करना है हमें। तुम अपने पापा को नहीं बता सकती, वो ऑलरेडी तुम्हें लेकर बहुत टेंशन में, उन्हें और स्ट्रेस होगा रूही, समझो बात को। और तुम ये पैसे देने अकेले नहीं जाओगी, मेरा विश्वास करो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम बस इस बारे में अपने पापा को और पुलिस को पता मत लगने देना। सुहेल आई डोंट थिंक ये सही होगा, क्योंकि 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
नहीं सुनील, ये करना ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स राइट। नहीं, इधर आओ, यही सही तरीका है। और अगर अगर कुछ गड़बड़ हो गई और उसने मेरा वीडियो तो बैठ सुहेल, तुम समझो सुहेल, अगर अगर बाई चांस कोई गड़बड़ हो गई तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। मतलब सुहेल, कैसी गड़बड़, तुम क्या बोल रहे हो सुहेल? सुनो रोहित, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया। ये जो भी तुम्हारे साथ इन दिनों हो रहा है वो सब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वो सब मेरी कजिन के साथ भी हो चुका है। सुहेल, उसने हमें पहले एमएमएस के बारे में कुछ नहीं बताया, फिर जब उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता चला तो बहुत परेशान होकर, पर वो उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उसको हमेशा सपोर्ट करते थे, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। फिर एक दिन, फिर क्या? फिर एक दिन जब वो कॉलेज से घर आई तो उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था।